श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं आपसे हमेशा कहता हूँ। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे भी और एक रोचक विषय पे भी, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पे भी, कि मकर राशि का जो है हमारे कुंडली में, वो जिस घर में भी पड़ती है उसका क्या इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट होती है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं, अति आभार है उसके लिए। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। किसी भी प्रकार की आपको कंसल्टेशंस लेनी हो, फाइनेंस से संबंधित, अपने प्रोफेशन से संबंधित, फैमिली से संबंधित, मैरिज से संबंधित, अवश्य आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। ईमेल के थ्रू भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। जिनको ज्योतिष विद्या पढ़नी हो आसानी से, सरल तरीके से, स्पिरिचुअल तरीके से, डीपनेस से, वो भी मुझे संपर्क कर सकते हैं कोर्स के बारे में जानने के लिए और फीस के बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों, ये मकर राशि जो है क्यों इम्पॉर्टेंट होती है सभी की लाइफ में, चाहे किसी का कोई लगन में कोई भी पैदा हुआ हो, लेकिन मकर राशि जहाँ पे भी उनके पत्रिका में पड़ेगी वो एक बहुत पैरामाउंट जगह होती है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट जगह होती है। वजह मैं आपकी उसको बता दूं कि देखिए, काल पुरुष की कुंडली में मकर राशि जो है दसवें स्थान पे पड़ती है, टेंथ हाउस में। यूं कह लीजिए, हमारे जितने भी कर्माज हैं जो अर्थ को लेके होते हैं, पैसे को लेके होते हैं, वो सेकंड हाउस से स्टार्ट होते हैं। सिक्स्थ हाउस में जो है, आप एक तरीके से समझ लीजिए, उसके लिए एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ हर्डल्स होते हैं हमको अपने जीवन में, वो दूर करने होते हैं, और फिर अंततः जो है हम लोग दसवें स्थान में अपने काम को एग्जीक्यूट करते हैं, जो भी हम अपने जीवन में कर्म करते हैं। तो काल पुरुष की कुंडली में जो कैप्रिकॉर्न साइन है, मकर राशि है, वो टेंथ हाउस में पड़ती है और वो सैटर्न के अंदर आती है। तो देखिए, अब इसके बाद आपके लगन कोई भी हो, आपका मेष लगन हो, आपका वृष लगन हो, आपका मिथुन लगन हो, कोई लगन हो आपका, आपके जो टेंथ हाउस के साथ साथ है, टेंथ हाउस आपका अगर मेष लगन हुआ तब तो स्वाभाविक है कि मकर राशि आपके जो है दसवें स्थान में ही पड़ेगी। अगर आपका वृष लगन है तो आपकी जो मकर राशि है वो नाइन्थ हाउस में पड़ेगी। कहने का अर्थ ये है कि आपके टेंथ हाउस के साथ साथ आपके जो कर्मा स्थान होगा लगन का, टेंथ हाउस, उसके साथ साथ जो मकर राशि जिस भी घर में पड़ती है आपके लगन में, वो पैरामाउंट होती है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, उसको बहुत क्लोजली रिलेट मॉनिटर करना चाहिए। वहाँ से ही उठ के कई प्रॉब्लम्स भी हमारे जीवन में आ सकती हैं। उदाहरण के तौर पे किसी की भी पत्रिका में मकर राशि, जैसे मान लीजिए वृश्चिक लगन है, वो तीसरे स्थान पे पड़ती है मकर राशि। अब मकर जो वृश्चिक लगन है उनके टेंथ हाउस में जो है सिंह राशि पड़ती है। सूर्य आपके लिए कर्मा के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, ये सबको पता है, लेकिन मकर राशि अब जब थर्ड हाउस में पड़ेगी तो ये बात याद रखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट हाउस आपका तीसरा स्थान भी बन जाता है। विल पावर, हर प्रकार की एक्टिविटी, आप किस तरीके से जो है, क्योंकि तीसरा स्थान जो है डिज़ायर का है, वहीं से सीड पड़ता है हमारी इच्छाओं का, हमारी डिज़ायर्स का, वहीं से हमारा स्थान पड़ता है। अब देखिए, तीसरा स्थान क्योंकि अच्छा भी है और बुरा भी है, अगर मकर राशि वहाँ पे पड़ रही है, इसका मतलब है जिस प्रकार की आप एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, जो भी आप डिज़ायर करना शुरू करेंगे, वो अच्छा हुआ तो अच्छा फल आपको प्रदान होगा, बुरा हुआ तो बुरा फल प्रदान आपको होगा। यहीं से आपको विल पावर आपकी पता चलेगी जीवन में, यहीं इसी कनेक्शन को लेके आपको एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेंगी, प्रॉब्लम्स भी आपको तीसरे घर से संबंधित काफ़ी आ सकती हैं, उसमें चाहे डिजीज़ भी आ जाती है कई दफ़ा। देखिए, तीसरे जो मकर राशि जहाँ पे भी पड़ेगी, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि वो हमारे ओवरऑल चार्ट में हमारा जो कर्म स्थान है दसवें स्थान के अलावा, उसको रिप्रेजेंट करती है, जो नेचुरल
कर्म स्थान है काल पुरुष की कुंडली में, तो थर्ड हाउस आपके लिए पैरामाउंट हो जाएगा। आप देखेंगे जिनकी भी पत्रिका वृश्चिक लग्न की है वो लोग देखेंगे तीसरे स्थान पे अगर उसका स्वामी जो सैटर्न है वो अच्छी स्थिति में नहीं है, तीसरा घर मजबूत नहीं है, वहाँ पे बुरा असर पड़ रहा है, उनको जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं, उनको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, उनको बहुत ज़्यादा हर्डल्स होते हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस काफ़ी उठाने पड़ते हैं। गलत तरीके से देखिए कोई कर्म की तरफ अगर वो बढ़ते हैं, क्योंकि तीसरा स्थान उदाहरण के तौर पे अच्छा सोच का भी है बुरा सोच का भी है, क्योंकि वो कामा स्थान है, फर्स्ट काम का स्थान है हमारी डिज़ायर की उत्पत्ति का, तो अच्छा अगर सोचेंगे तो अच्छे की तरफ जाएगा, बुरा सोचेंगे तो वो बुरे की तरफ आपको ले जाएगा। तो अब आपके दसवें स्थान के साथ साथ जो मकर राशि तीसरे स्थान में पड़ रही है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। उदाहरण के तौर पे आप ले लीजिए कर्क लग्न का, कर्क लग्न में सातवें स्थान पे मकर राशि पड़ती है। अब आपकी जो कर्क लग्न है टेंथ हाउस में पड़ता है मेष राशि, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी ही होगी कर्म के लिए, ये बट ऑब्वियस है। लेकिन जो सातवां स्थान है जहाँ पे मकर राशि पड़ती है कर्क लग्न वालों के लिए, वो स्थान भी एक्शन का स्थान होगा, चाहे वो आपके लाइफ पार्टनर से संबंध हो, फॉरेन से संबंधित हो, किसी प्रकार की निगोशिएशन से संबंधित हो, लोगों के साथ आपका अंडरस्टैंडिंग से संबंधित हो, क्योंकि वो रिलेशनशिप्स का हाउस है और वो एक तरीके का काम त्रिकोण का दूसरा स्थान भी है, यहीं पे सारी एक्टिविटीज़ भी होती हैं, ओवर डिज़ायर्स गलत डिज़ायर्स यहाँ पे करना हानिकारक हो सकता है। सातवें स्थान पे कर्क लग्न वालों के अगर बुरे ग्रह बैठे हुए हैं, यहाँ बुरा असर अगर पड़ रहा है सेवेंथ हाउस पे, उनके लिए लाइफ बहुत सिचुएशन बहुत टफ हो जाती है। तो ये चीज़ देखनी पड़ती है, मैनेज करनी पड़ती है देख के कि हाँ हमारा जो कैप्रिकॉन साइन है मकर राशि है हमारी पत्रिका में कहाँ पड़ रहा है, उसका स्वामी कैसा बैठा हुआ है, उस घर के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है, उस पर अच्छे प्लैनेट्स की निगाह है या खराब प्लैनेट्स बैठे हैं। आप देखेंगे वहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्शन क्रिएट हो रहा होगा आपकी पत्रिका में मकर राशि में। हम लोग एक बात कर लेते हैं मोक्ष त्रिकोण की भी। अब देखिए किसी की भी पत्रिका में उदाहरण के तौर पर तुला लग्न ले लीजिए। अब तुला लग्न वालों के लिए टेंथ हाउस होता है कर्क राशि का, वो इम्पॉर्टेंट होगा। आपका कर्क राशि आपका जो काम है जीवन में, जो आपको जीवन में अर्थ दिलवाएगा, धन दिलवाएगा। लेकिन फोर्थ हाउस में देखिए कैप्रिकॉन साइन पड़ता है, आपके लिए पैरामाउंट हो जाएगा आपका घर परिवार, एजुकेशन, पीस ऑफ माइंड, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएंगी। आप देखेंगे इस तरफ भी आपके जीवन का जो है बहुत सारा हिस्सा जो है आपको उधर डिवोट करना पड़ेगा। अब अगर उस मकर राशि पे जो है शुभ प्रभाव पड़ रहे हैं, वहाँ का स्वामी जो है सुंदर स्थितियों में बैठा हुआ है, तो आपको एक जो है नाइस डायरेक्शन मिलेगा, एक गति मिलेगी सही तरीके से। क्यों? क्योंकि जो मोक्ष स्थान है, जो चौथा स्थान है, वो पहला घर होता है मोक्ष स्थान का, वो हमको एक तरीके से सीड है हमारे मोक्ष के लिए, और या हमारे उस तरफ डायरेक्शन देता है हमको बढ़ने के लिए। अब अगर कैप्रिकॉन साइन मकर राशि अगर चौथे घर में किसी के पड़ रही है, पहले तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, रास्ता कहीं ना कहीं से स्पिरिचुअलिटी, डीपनेस ऑफ थॉट्स, एजुकेशन, उस तरीके से सोचना आपके जीवन में अवश्य जो है आपको लाना पड़ेगा, या ऑलरेडी होगा आपके जीवन में वो चीज़, आप वो चीज़ कर रहे होंगे अपने जीवन में। आपकी फैमिली, मदर, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, पीस ऑफ माइंड आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, घर होम आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इन सबके साथ साथ आपको एक तरीके से स्पिरिचुअल राह पे भी चलना होता है। तो आप देखेंगे जिनकी भी तुला लग्न की पत्रिका है मकर राशि पे अगर शुभ प्रभाव पड़ रहे हैं, तो उनको डायरेक्शन सही मिलता है आगे काम करने का, जीवन जीने का, अच्छा एक एनवायरनमेंट घर में अगर उनको मिल जाता है,
नहीं तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ आती है। यहाँ पे हम लोग धर्म त्रिकोण का देख लेते हैं। अब अगर मकर राशि किसी के भी अगर पांचवें स्थान में पड़ रही है, उदाहरण के तौर पे कन्या लगन वालों के लिए, तो आप देखेंगे कन्या लगन में जो है दसवां स्थान जो है वो मिथुन राशि का पड़ता है, बुध का। उसके साथ साथ जो पांचवें स्थान में मकर राशि पड़ेगी उनके लिए पैरामाउंट हो जाएगी। उनको उनके लिए देखिए हर प्रकार का एजुकेशन है, हर प्रकार का बच्चों से संबंधित कोई भी उनको काम है, धर्म है, मंत्र है, पूजा है, वो ज़रूर उनके जीवन में कहीं ना कहीं टच करेगा। या आप ये मान के चलिए उनके कर्म जो हैं उससे होके ही निकलेंगे हर तरीके से। वो एक इम्पॉर्टेंट हाउस रहेगा कन्या लगन वालों के लिए अपने सारे जीवन में, क्योंकि टेंथ हाउस तो इम्पॉर्टेंट रहेगा ही जो कर्म का स्थान है, लेकिन पंचम स्थान भी उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि देखिए अब उनकी विद्या है, एजुकेशन है, वो डिसाइड करेगी कि वो जीवन किस तरीके से करेंगे। क्योंकि फिफ्थ हाउस देखिए क्रिएटिविटी का, हमारी एजुकेशन का, नेचुरल हमारे पूर्व पुण्यों का या पापों का घर है, इसीलिए वो और इम्पॉर्टेंट वहाँ पे बन जाता है। तो हम वो चीज़ें डिसाइड करेंगी मकर राशि किस तरीके से है, क्या उस पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उसका स्वामी किधर है, हमारा जीवन किस तरफ दिशा लेगा, ये हम लोगों को पता चलेगा। हम अपने धर्म पे हैं, हम राइटेस काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो कन्या लगन वालों की मकर राशि बताएगी जो फिफ्थ हाउस में पड़ती है। सैटर्न बताएगा, उसका स्वामी बताएगा किस हिसाब से वो बैठा हुआ है। मकर राशि एक बहुत वंडर राशि है, आप इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं अपनी चार्ट में, आपको इसको बहुत इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। आप देखेंगे आपकी पत्रिका में ये जहाँ पे भी बैठी होगी सारा का सारा जो है झुकाव, ये सारा का सारा जो आप मान के चलिए कि आपका इम्पोर्टेंस है या कई तरीकों से आपको उस रास्ते से गुजरना ही पड़ेगा, अवश्य गुजरना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर अगर अब अर्थ त्रिकोण है, वहाँ पर सैटर्न बैठा हुआ है दूसरे छठे या किसी के दसवें स्थान पे अगर बैठा हुआ, आप मान लीजिए कि छठे स्थान पे सिंह लगन वाले हैं, अब वहाँ पे छठे स्थान पे देखिए मकर राशि पड़ती है, अवश्य उनको कई प्रकार के जीवन में हर्डल्स, कई प्रकार की उनको उलझने, प्रॉब्लम्स, कॉम्पिटिशन्स, कई प्रकार के उनको, जैसे षडरिपु का घर है सिक्स्थ हाउस, कई प्रकार की उनको चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। अब अगर ये छठा स्थान उनकी पत्रिका में, ये कैप्रिकॉन साइन अगर उनकी पत्रिका में अच्छा नहीं है उस मामले के लिए, तो उनके लिए समझ लीजिए प्रॉब्लम होगी कि अपने जीवन में वो कैसे द्वंद्वों से निपटेंगे, कैसे उससे निकल के बाहर आएंगे। क्यों? उसकी वजह से कहीं वो झुक तो नहीं जाएंगे, टूट तो नहीं जाएंगे, क्योंकि सिक्स्थ हाउस सबसे ज़्यादा हर्डल्स देता है, प्रॉब्लम्स देता है। अब सिक्स्थ हाउस में कौन बैठा हुआ है और कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब उदाहरण के तौर पे छठे स्थान पे अगर मकर राशि पड़ती है और यहाँ पे अब बैठ, यहाँ पे अगर आके कोई केतु बैठ गया मान लीजिए उदाहरण के तौर पे, जबकि केतु राहु मंगल ये ग्रह जो हैं छठे स्थान पे अच्छा फल प्रदान करते हैं, लेकिन ये जो राशि है कैप्रिकॉन साइन है, खास करके सिंह लगन वालों के लिए जो छठे स्थान पे पड़ता है, यहाँ पे एक्शन ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा, उसके लिए आपको ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, ज़्यादा डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, ज़्यादा एक तरीके से आप मान के चलिए आपको बड़ा स्पेसिफिक काम करना पड़ेगा, बहुत लॉफुल रह के काम करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम्स आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आएंगी। और उसको आप हर्डल को फेस किस तरीके से करेंगे, छठे स्थान पे कैप्रिकॉन साइन पे पड़ने वाला असर आपको बताएगा। तो देखिए कैप्रिकॉन साइन हमारी पत्रिका का मकर राशि जो है हमारी पत्रिका में जहाँ पे भी पड़ती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट साइन है हमारी पत्रिका का, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली का वो जो है टेंथ हाउस है, नेचुरल टेंथ हाउस है जहाँ से कर्म देखा जाता है। आपकी पत्रिका में भी, जहाँ पे भी आपकी पत्रिका में कैप्रिकॉन साइन पड़ता है, मकर राशि पड़ती है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाती है। उसकी उस घर से रिलेटेड आपके जीवन में बहुत सारी बातें, या यूं मान के चलिए 75% आपका फोकस उस घर की तरफ रहता है। वो घर आपको बताता है कि और चीज़ों के साथ साथ आप कैसे आगे बढ़ेंगे,
कौन कौन सी आपको स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ेंगी, या कौन कौन से आपको बेनिफिट्स वहाँ पे महसूस होंगे, कौन कौन से शुभ प्लैनेट्स वहाँ पे बैठे हुए हैं जो आपको मदद करेंगे, पुश करेंगे उन घरों में जहाँ पे भी मकर राशि आपकी पत्रिका में पड़ती है। ये एक वंडर राशि है जो बहुत कुछ बना भी देती है, बहुत कुछ बिगाड़ भी देती है। हर राशि इम्पॉर्टेंट है, हर राशि का अपना महत्व है, लेकिन जो मकर राशि है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में ये टेंथ हाउस में हमारा जो फाइनल कर्म है, हमारा फाइनल, हमारे द्वारा किए गए जो कर्माज हैं उनका एक फाइनल स्टेप है, वो वही एक प्रेजेंट होता है बाहर की दुनिया को। हम जो काम करते हैं, हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, हमने क्या फेस की, हमारे पास क्या रिसोर्सेज थे, वो कोई नहीं देखता है। जो आखिरी का कर्म है वो हम लोगों का सब देखते हैं। तो आप मान के चलिए जो आपकी पत्रिका में कैप्रिकॉन साइन है, जो मकर राशि है, वो आपको बहुत कुछ हिंट करेगा कि आपको क्या मदद मिलने वाली है, या आपको कहाँ से प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, या आपको क्या चीज़ें ठीक करने आपके लिए ज़रूरी हैं अपने कर्मा को आगे बढ़ाने के लिए। मकर राशि आपकी पत्रिका में कहीं पे भी पड़ रही हो, उदाहरण के तौर पे आठवें स्थान पे पड़ रही हो जैसे मिथुन लगन वालों की है, तो मैं यही कहूँगा उनको प्रॉब्लम्स, ऑब्स्ट्रक्शंस, स्ट्रगल्स, कई प्रकार की उनको अड़चने जीवन में आएंगी ही आएंगी। उनको इस तरीके से कई तरीके की अड़चने आएंगी। सैटर्न जो है, चाहे वो अपनी ही राशि में वहाँ पे बैठ जाए, प्रॉब्लम्स देखिए आएंगी आएंगी। धर्म का सहारा, एक तरीके की गूढ़ रिसर्च, एक अपने अंदर को ढूंढना, पहचानना, सही तरीके से काम करना, सही तरीके से जीवन को समझना, फिर मिथुन लगन वालों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उनके आठवें स्थान में अगर मकर राशि पड़ती है तो वो बहुत कुछ कहती है आपको। एक तरीके के बाहर की दुनिया के लिए एक तरीके का रिसर्चर, किसी गलत काम की तरफ नहीं जाना, क्योंकि आप बहुत एक्सपोज होंगे, बहुत आपको उल्टा सीधा जीवन में कष्ट उठाने पड़ जाएंगे अगर गलत तरीके की तरफ या गलत काम की तरफ आप जाते हैं। चाहे आपके दसवें स्थान का लॉर्ड यहाँ पे बृहस्पति बनता है, लेकिन क्योंकि नेचुरल जोडियाक में कैप्रिकॉन साइन जो है वो टेंथ हाउस में पड़ता है, और मिथुन लगन वालों के लिए अगर वो आठवें स्थान पे पड़ा है, मान के चलिए कई प्रॉब्लम्स आपको जीवन में आएंगी। अगर मकर राशि जो है सही स्थिति में है, उसके ऊपर शुभ प्रभाव पड़ रहे हैं, उसका जो प्लैनेट है वो शुभ अवस्था में बैठा हुआ है, कई प्रकार के स्ट्रगल प्रॉब्लम्स आपको जीवन में आगे बढ़ाएंगे। आपको रास्ता भी धर्म से ही मिलेगा, ज्ञान से ही मिलेगा, गहराई में ही जाके मिलेगा, अपने आप को खोज के ही मिलेगा हर प्रकार से, क्योंकि आठवां स्थान भी मोक्ष स्थान है, दूसरा मोक्ष स्थान है जहाँ सबसे ज़्यादा एक्टिविटी हो रही होती है। कई प्रकार की तपस्याओं से आपको गुजरना पड़ेगा मिथुन लगन वालों को, कई प्रकार के तप या किसी प्रकार का आपको, जिसको कहते हैं कि हठ करना पड़ेगा अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, कुछ गलत चीज़ें छोड़ने के लिए, सुंदर रास्ता अपनाने के लिए। तो मकर राशि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी पत्रिका में, जहाँ पे भी बैठे हो उसको अवश्य इम्पोर्टेंस दीजिए। देखिए वहाँ पे क्या चीज़ें, कौन से ग्रह बैठे हैं, वो क्या आपको समझा रही है, आपको किस तरीके से अपने आप को बढ़ना है। अगर वो मोक्ष त्रिकोण में पड़ रही है, कहीं ना कहीं आपके कर्म में अवश्य ही जो है प्रभु, स्पिरिचुअलिटी, इन चीज़ों को झलकना ही पड़ेगा। डिटैचमेंट आपकी पत्रिका में आएगा ही आएगा, चाहे कर्मों को लेके हो, चाहे किसी चीज़ों को लेके हो। अगर ये धर्म त्रिकोण में पड़ रही है, पांचवें, नौवें या पहले स्थान में पड़ रही है, अवश्य आपको बहुत धर्म को फॉलो करके चलना पड़ेगा। जो राइटेस्ट तरीका है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, जीवन में मदद करेगा आपको। अगर ये काम त्रिकोण में किसी के भी मकर राशि पड़ रही है, अवश्य ध्यान दीजिए, ओवर डिज़ायर्स कई प्रकार आपको कष्ट पहुंचा सकती हैं, गलत डिज़ायर्स आपको कष्ट पहुंचा सकती हैं। अर्थ त्रिकोण में अगर मकर राशि आप लोगों के लिए पड़ती है, अवश्य आपको ज़्यादा मेहनत करना बताती है, अवश्य आपको एक सदी हुई मेहनत करना बताती है, अवश्य आपको पेशेंस से आगे बढ़ना सिखाती है। ये आपको गुण अपनाने पड़ेंगे अगर आपको जीवन में सफलता चाहिए अपनी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा, आपको समझ भी आएगा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मकर राशि हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो से संबंधित
कोई भी क्वेश्चन हो आपका अवश्य आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि इसका उत्तर अवश्य आपको दूं। जय श्री कृष्ण।